सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीजी जोन अखिल कुमार से की वार्ता। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने निर्वाचन संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा। आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, पंचायत चुनाव में जनपद में 4,657 बूथों पर 30 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। लोगों से की अपील, दो जगहों पर वोटर बनना है अपराध, दे लोकतंत्र में अपनी सहभागिता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं शिक्षा डॉक्टर अमित मोहन प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रामगढ़ताल क्षेत्र के नौकायान के पास हुई फायरिंग की घटना निकली झूठी, मुकदमे को किया गया स्पंज। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा, कहा वादी के मित्र के बयान की भूमिका की अलग से की जा रही है जांच। गुरुवार की देर शाम पैदल गश्त कर एडीजी जोन अखिल कुमार ने लिया महानगर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस चौकी पर संभ्रांत लोगों के साथ की बैठक, सुरक्षा का दिलाया भरोसा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग के जिला टास्क फोर्स की बैठक। 1 मार्च से खुलने वाले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों को गुब्बारों से सजाकर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोलने के दिए निर्देश। कहा साफ सफाई की जाए बेहतर व्यवस्था, शिक्षा का बनाए माहौल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कृषि व कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा। पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के दिए निर्देश। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संचालन के संबंध में सुझाव हेतु संभ्रांत व्यक्तियों के साथ आयोजित की गई गोष्ठी, मांगे गए सुझाव। गोरखपुर में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों को 78 बूथों पर लगाई गई वैक्सीन। कुल 93.5% लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। फ्रंटलाइन वर्करों को पहली बार और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई बूस्टर डोज। एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में जिले के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों की पुलिस लाइन में आयोजित की गई बैठक। विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान पर हुई चर्चा। वैक्सीनेशन के लिए 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की मांगी सूची तथा 31 मार्च तक जर्जर तारों और विद्युत पोलों को बदलने के दिए निर्देश। ट्रांसपोर्टरों द्वारा 26 फरवरी के घोषित देशव्यापी चक्का जाम का गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किया समर्थन। कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा, चक्का जाम में सांकेतिक रूप से रहेंगे शामिल, नहीं होगा जनपद में चक्का जाम। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,462। अब तक 365 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 18 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने चेतना तिराहे पर किया प्रदर्शन। मार्च निकाल रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा, बिना अनुमति के कर रहे थे प्रदर्शन, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं जाने दिया गया आगे। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को निगम के सभागार में लगाया गया कोविड-19 का टीका। नगर आयुक्त ने सफाई कर्मियों को वैक्सीन लगवाने के लिए किया प्रेरित। और वी एन रायस प्रोसेसर लिमिटेड के कर्मचारियों ने वेतन विसंगति और कंपनी के मनमाने रवैये के खिलाफ श्रम विभाग कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। मांगों को पूरा करने की मांग।